हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, अपने कान हक के लिए हैं। हमें देश से मोहब्बत है, हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा खून भी शामिल है यहाँ की मिट्टी में, ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो जितना देश हिंदू का उतना मुसलमान का, तो आप तो हिंदू से कुछ मांग ही नहीं रहे, मुसलमान से क्यों मांग रहे? फिर हमारा देश कहाँ से हो गया? हम पराए थोड़ी हैं भाई साहब, हम पराए नहीं हैं। यहाँ के हम हैं, यहीं बड़े हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे, सब कुछ यहीं करेंगे। आप लोग पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स बना के उनको यहाँ पे स्टे कराएंगे, और जो यहाँ के ऑलरेडी निवासी हैं उनके पास, बेचारों के पास डॉक्यूमेंट्स की कमी अगर किसी के पास होगी, उसको वहाँ पे धक्के खाने पड़ेंगे पहले बात तो अधिकारियों के पास। और कितना करप्शन बढ़ेगा इससे, ये देखिए कि वो ये गरीब आदमी, अपनी रोजी रोटी कमाने वाला आदमी लाइनों में जाके इन NRC से निपटेगा या अपने अपने जाके बीवी बच्चों को पालेगा। अगर ये चीजें लागू ये कर रहे हैं तो सभी करें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब। और इस प्रोटेस्ट में जो है ना, हम ही एक मुसलमान लोग नहीं आए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई आए हुए हैं, सबके सब आए हुए हैं, और सब भाई हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। सब कह रहे हैं कि ये काला कानून नहीं चलेगा, ये CAA वापस लेना ही पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, इसके लिए जहां जाना पड़ेगा हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। साढ़े 6 बजे ये कुछ हमारे जो है लोग जो इकट्ठे हुए थे, इनमें से कुछ आउटसाइडर्स भी आए, इन्होंने स्टोन पेल्टिंग वगैरह शुरू की और हमने वाटर कैनन यूज़ किया, टीयर गैस वगैरह कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और बाद में हमने उनको पीछे पुश कर दिया और इसमें हमारे कुछ पुलिस पर्सनल को इंजरी आई है और इनके भी काफ़ी लोग हमने डिटेन किया।